Then this video, I will explain you the other topics. As you can see, legislative assembly and qualification of the member of two houses. As you know that already we have read the state legislature and the legislative counseling in our previous video. So we can start. Our next topic is legislative assembly. Come on the page number 16 in civics book. Legislative assembly. What is legislative assembly? It's Vidhan Sabha. Its Hindi meaning is Vidhan Sabha. It has member in proportion to the state population. इसके जो मेंबर हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस राज्य की कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के बेस पर इनके मेंबर को डिसाइड किया जाता है. द मेंबर ऑफ दिस हाउस इज कॉल्ड, जो मेंबर होते हैं इस हाउस के उनको बोला जाता है एमएलए, मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो मेंबर चुने जाते हैं ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्यों में ये लेजिस्लेटिव यानी ये विधानसभा होती है. द टर्म पीरियड ऑफ 5 ईयर, इसका जो टर्म पीरियड होता है वो कितने अवधि का है, वो 5 वर्ष का है. बट इट मे बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर, लेकिन इसको डिसॉल्व किया जा सकता है एनी सिचुएशन में अपनी अवधि से पहले. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार द नंबर्स ऑफ मेंबर इन असेंबली कैन नॉट एग्जिस्ट मोर देन 500 एंड कैन नॉट बी लेस देन 60. इसमें 500 से ज्यादा मेंबर्स को नहीं ले सकते और कैन नॉट बी लेस, और 60 मेंबर्स से कम नहीं हो सकते. ये संविधान के एक रूल के अंतर्गत रखा गया है. इन उत्तर प्रदेश देयर आर 402 कॉन्स्टिट्युएंसीज, उत्तर प्रदेश में 402 कॉन्स्टिट्युएंसी है. वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, ईच कॉन्स्टिट्युएंसी इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये सभी जनता के द्वारा चुने गए. अब जो मेंबर्स हैं दोनों हाउस के, की बात है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. जो दोनों हमारी विधान परिषद और विधानसभा है, कि क्या कोई भी मेंबर बन सकता है इन दोनों असेंबली का, तो ऐसा नहीं है. उसमें भी कुछ शर्तें हैं, तो वो कौन सी शर्तें हैं कि हम इन दोनों का पार्ट बन सके. नाउ द फर्स्ट इज ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी राजनीति में पार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट एक जो शर्त निभानी होती है वो है कि हमें भारत का नागरिक होना होता है. इट मीन्स हम भारत के नागरिक हों, ये पहली शर्त होती है. नाउ द सेकंड इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी लेस देन 25 ईयर एंड 30 ईयर्स ऑफ एज. कम से कम उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष हो और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष हो. नेक्स्ट द थर्ड इज दे मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत के सरकार के अंतर्गत वो किसी लाभ के पद पर ना हो, मीन्स उनका कोई दूसरा जरिया ना हो अर्न करने का. नाउ द फोर्थ इज शी मस्ट बी द साउंड माइंड एंड द मस्ट बी फ्री फ्रॉम द लीगल प्रेसिडेंट. उनका जो माइंड है वो किसके प्रति होना चाहिए, केवल देश के विकास के लिए ही वो अग्रसर होने चाहिए. केवल माइंड में ये काम रखकर ही वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. इट्स द क्वालिफिकेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ दीज असेंबलीज. नाउ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर, हु आर दीज? द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आर द इलेक्टेड फॉर्म अमंग द मेंबर्स. ये जो मेंबर्स मैंने आपको बताए हैं दोनों ही पार्ट के, ये दोनों मेंबर्स की एक असेंबली होती है, उसके अंतर्गत वोटिंग होती है, तभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव होता है वो कंप्लीट होता है. एंड द स्पीकर कंडक्ट द मीटिंग, और इनके काम क्या है स्पीकर के, स्पीकर जो है इनकी जो मीटिंग होल्ड होती है, मीटिंग जो कंडक्ट होती है वो स्पीकर का काम होता है, उनको देखने का, अरेंज कराने का. द टर्म पीरियड 4-5 ईयर्स, और इनकी जो अवधि है वो 5 वर्ष है. बट द गवर्नर कैन डिसॉल्व, लेकिन ये गवर्नर का कार्य है कि वो उसको डिसॉल्व कर सके. द असेंबली बिफोर इट कंप्लीट इट्स टर्म, की अवधि से पहले वो अगर उसको हटा सकता है तो वो केवल एक गवर्नर होता है. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ, कि एक बिल किस तरह से पारित होता है और वो कानून के अंदर उसको रखा जाता है. ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे. टुडे इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ टू हाउसेज एंड वॉट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो वॉच द वीडियो केयरली टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, टिल देन बाय बाय.